उज्जैन जिले के तराना में अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी की टीम द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती एवं वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा जारी कार्रवाई की गई एवं रविवार को घर से बाहर आवश्यक कार्य से निकलने के प्रशासन द्वारा अपील की गई। वहीं रविवार को कोरोना के 4 एक्टिव केस भी मिले हैं। कोरोना ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी दस्तक दे चुका है। वहीं राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार के समय बढ़ाने की बात एसडीएम मैडम द्वारा कही गई है। क्योंकि संडे को लॉकडाउन रहता है तो आज हमने सुबह से चालानी कार्रवाई प्रारंभ की थी, तो उसमें आज हमने 52,000 के लगभग स्पॉट फाइन यहाँ किया है अकेले तराना में। इसके अलावा 9,000 के लगभग हमने माकड़ोन में करवाया है और अभी कायठा में कार्रवाई चल रही है, उसका एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन आज अगर माने तो 70,000 रुपये का स्पॉट फाइन हो चुका है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रही है? चूँकि अब एक ही संडे आता है सप्ताह में और उसी दिन लॉकडाउन का हमको करवाना है, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाए कि वो केवल अनिवार्य कार्य के लिए, बेहद आवश्यक विषय के लिए बाहर निकले। हालांकि संख्या में कमी आई है लोगों के बाहर निकलने की, पर हम ये चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा, और स्पॉट फाइन सांकेतिक है, बहुत ज़्यादा राशि नहीं है उसमें, तो लोग उसको समझेंगे। मैडम, अगर राज्य शासन की ये गाइडलाइन जारी हुई है समय बढ़ाने को लेकर, तो उसमें क्या कहेंगे अभी? समय बढ़ाने को लेकर के गाइडलाइन जारी हो चुकी है, चूँकि तराना में पहले से चल रहा था और व्यापारी एसोसिएशन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उसमें तय हुआ था कि 6 बजे तक कर देंगे जी, लेकिन 6 बजे कम होता है ऐसा मुझे जानकारी मिली है, तो हम कल ही बैठक करके, और अभी तक तो हमने कहा है कि 8 बजे तक खोलने की हम अनुमति दे रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार भी हम ढूंढी से नगरपालिका से करवा रहे हैं, 8 बजे तक हम मार्केट हम खोलने की अनुमति देंगे ठीक संडे को, लेकिन तो लॉकडाउन। उज्जैन जिले के तराना से अर्पित गोड़ाना की रिपोर्ट।